नमस्ते जी प्रिया पंडा जी नमस्ते मेघा जी नमस्ते गायत्री जी नमस्ते आपका बेटा बहुत प्यारा है बेटा है यार बेटी <laughs> ठीक है जी प्रीति जी शिक्षा जी कविता जी आप वीडियो पे नहीं हो बिल्किस जी जागृति ज्योति कुमारी सुजाता देवश्री भावना सभी दिख पा रहे हैं बेटा जी मुझे ओके आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रिया मेरी आवाज सुनाई दे रही है हाँ स्वागत मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक <laughs> तो चलिए राधे राधे गुरु जी राधे राधे जी भावना जी पूछ रही है मैडम सर कहाँ है आप ये स्क्रीन पर क्या शेयर कर रहे हो कुछ गलती से दब गया होगा बेटा रश्मि कहाँगी आवाज दो रश्मि मैम नमस्ते जी नमस्ते गुरु जी राधे राधे ज्योति जी <coughs> होते तक रहना है जब तक वो कुछ भी कर रही है आपको रहना है ठीक है चलिए बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस हम पढ़ना शुरू करते हैं जब तक आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं तब तक हम एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं एक छोटा सा सांसों पर ध्यान लगा ले लेते हैं छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद में कुछ अपनी अपनी तरफ से कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि बारिश के पानी में हो सके तो भीगना ज़रूर बारिश के पानी को अपने शरीर से होते हुए गुजरने देना जिससे एक आपकी आभा मंडल जो और बोलते हैं जिसे मैग्नेटिक तो फील्ड जो होता है वो क्लीन होती है एक हीलर और शक्तिशाली होता है बारिश के पानी में भीग कर एक हीलर और शक्तिशाली होता है सुबह की के उगते हुए सूरज के धूप में से भीग कर एक हीलर और शक्तिशाली होता है समुंदर के पानी में नहाकर एक हीलर बहुत शक्तिशाली और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है वायु स्नान अग्नि स्नान करके अग्नि स्नान मतलब कि जैसे यज्ञ कुंड है या दीपक की रोशनी से इस तरह से जब पूरे आभा से जब हम गुजरते हैं या यज्ञ कुंड के आसपास हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी आभा मंडल और क्लीन होती है और जो भी हम हीलिंग कर रहे हैं लोगों की जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी हमारे ऊपर कुछ भी आया है किसी का भी जो आ, एनर्जी का रिफ्लेक्शन पराकर्षण जो हमारे ऊपर आया है वो उससे हम मुक्त हो पाते हैं जैसे ही हम मुक्त हो पाते हैं हम और शक्तिशाली हो जाते हैं जीवन में याद रखना आप लोग एक हीलर हैं, आप लोग रेकी हीलिंग लामा फेरा एंजल हीलिंग ये सब हीलिंग सब विधा को सीख रहे हैं तो आपके जीवन में कई बार ऐसे संघर्ष का समय आएगा जब आप हारा हुआ महसूस करेंगे जब आप परेशान महसूस करेंगे जब अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे उस समय आप लोगों को मेरी आज की ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि हम अल्टीमेटली चाहे कितना भी बड़ा हीलिंग कर लें कितने भी अच्छे से लोगों को ठीक कर लें कितना भी मान सम्मान पा लें लोग आपके चरण छुएंगे लोग आपको बहुत तारीफें करेंगे लोग आपको सराखों पर बैठाएंगे लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि आप अल्टीमेटली एक इंसान ही है और क्योंकि आप एक इंसान हैं तो आपकी अपनी एक सीमाएं हैं तो जब तक आप जानेंगे कि आपकी सीमाएं हैं जब तक आप जानेंगे कि आपका आपकी अपनी लिमिट्स हैं तब तक आप लिमिटलेस बने रहेंगे जिस दिन आप ये जान लिए आपने ये मान लिया कि आप लिमिटलेस हैं आप कुछ भी कर लेते हैं लोगों की की हुई तारीफों को अगर आप सच्चा मान लेते हैं तो उस टाइम से आप लोगों के जीवन में फिर से कोई ना कोई परीक्षा आ ही जाएगी तो परीक्षा तब भी आएगी ऐसे भी आएगी आगे भी आएगी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी आप जो भी बनना चाहते हैं वो बनने के बाद आपको तुरंत पता चलेगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बहुत कुछ जानना बाकी है जितना भी मैंने आपको अब तक सिखाया है जो भी आगे मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों को और गहरी चीज़ों का ज्ञान मैं दूंगा। धीरे धीरे तो इस सब चीज़ों के लिए आज के डेट में आज इसी वक्त आपको एक बात समझना होगा कि मैं या कोई भी या किसी से भी आप कुछ भी सीखते हैं हम सब किसी न किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं हम सब एक समय काल के लिए एक समय के लिए एक एक यात्रा के लिए एक मोड़ के लिए एक रास्ते के लिए गुरु हैं हम में से कोई भी आपका हमेशा हमेशा के लिए गुरु नहीं हो सकता तो आप उसे ही गुरु मान सकते हैं मैं हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया था उनकी उनका उनके ही ये लाइन है पर्दे को खोल दो बेटा इसको उन्होंने ही ये बात कही थी हमसे कि जब तक कोई भी गुरु को हम सब शरीर में हैं तब तक मत मानना कि हम ही आपके या कोई भी आपके अल्टीमेट मास्टर हैं या हमेशा हमेशा के लिए इन्हीं फॉलो करना यही आपके मास्टर हैं तो अभी जब तक मैं आप लोगों को ये विधा सिखा रहा हूँ रिमोट भी देना मुझे जब तक ये विधा सिखा रहा हूँ तब तक के लिए मैं आप सबका गुरु हूँ इस सब्जेक्ट में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो आप लोगों के मान सम्मान को मेरा प्रणाम है एक सबसे गहरी बात जो हमेशा याद रखना कि आपको गुरु की आवश्यकता हर चीज़ में पड़ सकती है आगे भी पढ़ेगी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे पड़ेंगी किसी को इतने भी सर आँखों पर नहीं बैठाना कि वो आपको मैन्यूपुलेट करें या उनके विचार आपको मैन्यूपुलेट करें ये बहुत गहरी बात थी जो आज मुझे कहनी थी उसका कारण है क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से या हर क्लास में से या जितने भी लोग मुझे देखते हैं जानते हैं मानते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा भाव से भर जाते हैं तो आपके भाव को भी मेरा प्रणाम है और उन भावों के साथ मैं बस ये चाहूँगा कि आपका आपका पूरा विश्वास परमात्मा के प्रति होना चाहिए इस ब्रह्मांड के प्रति होना चाहिए इस फॉर्मलेस सरिस्टियन के तरफ होना चाहिए जो निराकार ब्रह्म बोल सकते हैं या साकार ब्रह्म जिस रूप में भी आप उन्हें जानते हैं या पहचानते हैं उसके प्रति अपना सारा समर्पण और विश्वास होना बाकी सब मिर्च पर आपका उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना आप किसी किताब पर करते हैं एक किताब जिसको लिखी जा चुकी है जो जो लिखी जा चुकी है उसको आप पढ़कर उसे आप देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन आपको उन्हें अनुभव करना होगा मैं कितना भी समझा लूँ कि लद्दाख ऐसा दिखता है वैसा दिखता है शिमला ऐसा दिखता है वैसा दिखता है मैं कैना कितना भी समझा लूँ कि श्रीनगर में इतनी सुंदर बारिश होती है या कश्मीर इतना सुंदर दिखता है जब तक आप उस जगह पे खड़े होकर उसे अनुभव नहीं करेंगे जब तक आप उस समय को नहीं जिएंगे, जब तक आप वहाँ के हर वातावरण को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं जान सकते आप बेशक उस ज्ञान को जान सकते हैं लेकिन आप अच्छा नीचे रख रहे हो क्या नीचे रखते हाँ। हैं जब तक आप उस ज्ञान को सुन सकते हो रट सकते हो बोल सकते हो समझा सकते हो लेकिन महसूस किए बिना आप कोई भी हिलिंग कोई भी साधना कोई भी विधा में आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए आप उसके अंदर उतरेंगे तभी वो आपके भीतर उतरेगी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये जाने अनजाने हमारे गुरुओं ने भी हमें एक समय पर ये बात कही थी आज आप लोगों का भी सुनने का समय था इसलिए आप लोगों ने भी ये सुना तो अपनी प्रैक्टिस अपनी साधना को बिल्कुल इस तरीके से करना है जैसे कि ये आपके लिए है इसलिए नहीं कि आपको ये बोला गया है या इसलिए नहीं कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस आपके मास्टर के द्वारा दिए गए हैं इसलिए क्योंकि ये आपको करना है जो ये वो रास्ता है जिसमें चल आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ जाने के लिए आप निकले थे तो ये सारी चर्चा बहुत गंभीर थी जो कि हो चुकी अब हम आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा जी आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं समय आने पर समय होने पर उसको भी हम ये करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी दिनों बाद में बाहर से आया हूँ तो बहुत सारे जो पेंडेंसीज थे जिसे हमने क्लियर किया है सर मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी को अपने खुद के प्रॉब्लम्स के लिए एक मैं ध्यान सभी सभी हमारे जो हीलर्स हैं सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी अपनी यात्रा में हैं सभी जो यात्री हैं उनके लिए मैं 21 दिन का एक ध्यान बनाऊंगा बहुत जल्दी क्योंकि ये बहुत सही बात है कि जब तक हम अपने चीज़ों से नहीं उभरेंगे दूसरे को कैसे ही ठीक करेंगे ये कहीं ना कहीं हमारा अपने आप को लेकर विश्वास नहीं हो पाता कि हम खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो 21 दिन के ध्यान में 21 अलग ध्यान होंगे जो आपको आपके भीतर उतारेगा आपके भीतर उतार करके आपको आपसे अलग करेगा आपको आपसे अलग करेगा सुनने में अजीब लग रहा है मतलब कि मैं और शरीर दोनों को अलग अलग आप समझ पाएंगे मैं और शरीर मैं और मेरा शरीर नहीं मैं और शरीर ये दो हैं और ये दोनों को आप अलग अलग महसूस कर पाएंगे आप अपने आप को शरीर की तरह भी समझ पाएंगे और अपने आप को आपकी तरह भी समझ पाएंगे चेतना की तरह भी समझ पाएंगे तो ये चेतना जिस दिन ये अनुभव आप कर लेंगे जो कि इक्कीस दिन के अलग अलग ध्यान से होती है हुई है अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रयोग हुए हैं किए हैं हम लोगों ने जिसमें वो चीज़ बहुत अच्छे से निखर के आई है तो रश्मि हीमोग्लोबिन के लिए हार्ट चक्र को हम हील करते हैं बेटा हार्ट चक्र के साथ आज्ञा चक्र को भी हील करना है क्योंकि हार्ट जब अनाहा जब हृदय जब आप आदेश देता है खून के लिए ब्लड के लिए रक्त के लिए तो उस आदेश को देने के लिए आज्ञा चक्र की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें हम होसाना सिंबल का भी प्रयोग करते हैं और डाइरो का प्रयोग करते हैं ग्रैंड मास्टर सिंबल है ये होसाना और डायरो से सिंबल का प्रयोग किया जाता है और दोनों सिंबल को एक साथ बना करके हार्ट चक्र में पहले रखते हैं फिर आज्ञा चक्र में रखते हैं और जो सजेशंस हैं जो शब्द हैं जो मंत्र हैं या जो अफर्मेशन है वो कुछ ऐसे होंगे कि मेरा रक्त मेरा खून बिल्कुल साफ हो रहा है शक्ति से भर रहा है मेरा हृदय चक्र शक्ति से भर रहा है मेरे शरीर के अंग अंग में और हर कोशिकाओं में मेरे शरीर में यह प्राण ऊर्जा यह रक्तवाहिका ये रक्त संचार बहुत ही आसानी से बहुत ही संतुलित ढंग से और बहुत ही प्रसन्नता से हो रहा है सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ब्रह्मांडीय चेतना को धारण किए हुए मेरे शरीर की एक एक रक्त की बूंद मेरे शरीर के हर एक कोने में पहुंच रही है और मेरा रक्त बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है शक्ति से भर रहा है इन सारी बातों में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं भी हीमोग्लोबिन शब्द का प्रयोग नहीं किया है ना आप हीमोग्लोबिन कम है को हील करना चाह रहे हैं लेकिन उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आप हीमोग्लोबिन शब्द का प्रयोग करेंगे आपका मन पहले चिल्ला के बोलेगा कि कम है इसलिए जिस टाइम पे आप ध्यान की अवस्था में जिस टाइम पे आप अफॉर्मेशन दे रहे हैं जिस टाइम उस टाइम उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे कभी भी किसी भी बीमारी को जब हम हील करते हैं तो उस बीमारी का नाम नहीं लेते किसी भी प्रॉब्लम को हम हील करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम का नाम नहीं लेते कभी नहीं उसके सोल्यूशन के शब्दों का को आ, वाक्यों में पिरोते हैं मतलब कि वर्ड्स को सेंटेंस में पिरोने के लिए घुमा फिरा के बोलेंगे सॉल्यूशंस को लेकिन बीमारी का नाम प्रॉब्लम का नाम नहीं लेंगे कोई है क्या बाहर है ना देवश्री जी कहते हैं नमस्ते गुरु जी मेरा फर्स्ट लेवल का शक्तिपात सिक्स वीक हो गया है लास्ट वीक कुछ प्रॉब्लम की वजह से शक्तिपात नहीं ले पाए नेक्स्ट वीक मेरा होगा क्या शक्तिपात हाँ बेटा सबसे पहले आप सभी एक बात जान लो बेटा इस चीज़ को लेकर के किसी भी रीज़न से कभी भी शक्तिपात नहीं ले पाए नहीं कर पाए छूट गया तो हर गुरुवार को मैं उपलब्ध हूँ शायद कभी साल में जितने गुरुवार होते हैं उनमें से शायद आठ या सात ऐसे गुरुवार होंगे जिसमें मैं शक्तिपात नहीं दे पाऊँगा वो मेरे अपने कारण हो सकते हैं वो गृहदशा हो सकती है ग्रहण हो सकता है या हो सकता है मैं कहीं और गया हूँ जहाँ मैं शक्तिपात के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ तो उस कंडीशन में बाकी हर गुरुवार को शक्तिपात होता है तो वेनसडे को आप अपना नाम बुक कराएंगे और शक्तिपात बिल्कुल ले सकते हैं अगली बार बिल्कुल ले सकते हैं इसके लिए इतना परेशान हो के क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है जी शत्रु परेशान करे तो मन अशांत हो जाता है ऐसे में मेडिटेशन कैसे करें बड़ा देखो देखो मैं जो अभी बात बोलूँगा ना बहुत ऐसा लगेगा कि कहने सुनने वाली बातें हैं अनुभव जिसके साथ होता है वही समझता है शत्रु शत्रु कोई नहीं होता शत्रुता होती है जैसे ही उस इंसान के मन से शत्रुता हट गई तो वो तो आम इंसान बन गया या आपका मित्र बन गया तो अगर आप किसी को किसी को कोई अगर आपका शत्रु है जो जो वो आपको अपना शत्रु मानता है अगर आपने भी उसे शत्रु मान लिया तब तो शत्रुता कभी ख़त्म नहीं होगी दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो रही आप अब आप, आपके और उनके बीच में दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए हीलिंग आराम से कर सकते हैं आप ऐसी ऊर्जा भेज सकते हैं जिस जिससे आप उनका आप दिखे मान लेते हैं मेरा किसी अन्य के साथ वो मुझे अपना शत्रु मानता है वो मेरे से शत्रुता, शत्रुता वाला व्यवहार करता है तो मैं होनशा जो बनाऊंगा पहले उसके और मेरे बीच में एक रेखा एक ब्रिज बनाऊंगा एक पुल बनाऊंगा फिर सेह की बनाऊँगा सेह की जो कि परमात्मा का प्रेम है ऊर्जा को बैलेंस करता है और चीजों को बैलेंस करता है बैलेंस करने के लिए ही काम आता है तो कौन सच बना करके मैं ये ऊर्जा भेजूंगा उन्हें और उनको ये बताऊंगा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं शत्रुता हुई है तो जाना अनजाने आपसे भी कोई गलती हुई होगी तो मैं उस गलती के लिए माफी मांगता हूं और मैं भी आपको हर बात के लिए माफ करता हूँ तो ये टेलीपैथिक मैसेज है जो हम भेजेंगे एक हमारा सिंबल है बेटा ग्रैंड मास्टर में सिंबल का नाम मैं भूल रहा हूं। ओरियाना, ओरियाना सिंबल, ग्रैंड मास्टर का एक सिंबल है जो नए ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं उनको ओरियाना सिंबल मिलेगा जो लोग पुराने कर चुके हैं जिनको ओरियाना सिंबल नहीं मिले उन्हें भी ओरियाना सिंबल दोबारा दिया जाएगा ओरियाना सिंबल फॉर टेलीपैथिक कनेक्शन और सिंबल जो मन से मन का जो कनेक्शन हम भेजना होता है किसी को मन की बात भेजनी होती है किसी को संदेश भेजना होता है एक वशीकरण क्रिएट करना होता है जब अपने भीतर से कोई आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी होती है चाहे किसी वस्तु को हो चाहे किसी इंसान को हो चाहे किसी वस्तु को चाहे किसी इंसान को जब कोई मेंटल मैसेज भेजना होता है तब हम ओरियाना सिंबल का प्रयोग करते हैं तो ओरियाना सिंबल का शक्तिपात आने वाले समय में ग्रैंड मास्टर्स को बिल्कुल मिलेगा तो ओरियाना सिंबल के ज़रिए मैं उन्हें ये मैसेज भेजूँगा और परफेक्ट कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति कैसा हम एक दूसरे के प्रति होना चाहिए ये भेजेंगे अगर किसी कोई हमें कोई अपने हमें अपना शत्रु मानता है इसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का हमारा कोई ना कोई कर्मा है या इसी लाइफ में पास्ट में कोई ना कोई ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से वो आहत है हमसे और जिसका बदला वो ले रहा है कभी कभी वो घर में हो सकता है कभी कभी वो माँ बेटे हो सकते हैं कभी कभी वो पिता पुत्र हो सकते हैं कभी कभी वो पड़ोसी कभी कभी एकदम करीब के कर रिश्तेदार हो सकते हैं है ना तो आपको उन्हें माफ़ करना होगा उनके उनके मन में अपने प्रति अच्छे भाव भेजने होंगे तब तक आप अच्छे भाव नहीं भेज सकते जब तक आप अच्छे भाव नहीं रखेंगे जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तब तक वो आपके दुश्मन बने रहेंगे है ना तो माफ़ी किससे मांगनी है इस एथर से इस फॉर्मलेस सबिस्ट से मतलब कि ब्रह्मांड में माफ़ी भेज मांगनी है ब्रह्मांड से माफ़ी मांगनी है उस कर्मा के लिए तो शत्रु परेशान करना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बड़ी बड़ी दुश्मनी खत्म की गई है इस तरीके से ओरियाना सिंबल का प्रयोग नहीं भी है तो भी आप केवल होंशा जश्न से और सही की बना करके ये प्रयोग कर सकते हैं और बहुत जल्दी इस बहुत विद इन तीन हीलिंग तीन से चार हीलिंग में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा है ना और हमेशा उनके तरफ अच्छे भाव ही भेजना क्योंकि आप एक हीलर हो अब आप एक बात जानते हो कि आप अपने अंदर से जो भी भाव भेजोगे वो भाव वहां तक पहुंचेगा है ना और उसका इफेक्ट आपके जीवन में भी दिखेगा हमारे जो रेकी हीलिंग में पांच जो नियम है उसका पालन हमेशा ही करना है पाटिल एस जी कहते हैं सर ये इक्कीस दिन का चक्रा चक्राहलिंग शक्तिपात होने के बाद भी हमेशा करना होता है हाँ बेटा इवन इतनी सारी हेलिंग प्रैक्टिस के बाद भी मैं भी अपने चक्रा चक्राहलिंग रोज़ करता हूँ किसी दिन अगर समय ना हो तो शॉर्टकट वाला भी कर सकते हैं जिसमें हम दो हाथों को रख के करते हैं जो कम समय में पूरे चक्रा हेलिंग कर लेते हैं क्या रेकी वास्तव में इफेक्टिव है हाँ बहुत ज़्यादा ना केवल रेकी चाहे विधा कोई भी हो फार्मूला कोई भी हो है ना फॉर्मूला कोई भी हो हम इसे एक फार्मूला की जैसे मैथ्स का गणित का फार्मूला होता है वैसे ही कहीं हम इसे रेकी की तरह लेते हैं कहीं हम लामा फेरा की तरह लेते हैं कहीं हम इंजरी हीलिंग की तरह लेते हैं कहीं हम प्राणिक हेलिंग की तरह ले लेते हैं कहीं हम चक्रा हीलिंग की तरह लेते हैं फार्मूला अलग अलग है दिशा वही है जाना वही है और हम करते वही चीज़ हैं जो हमें चाहिए होता है तो इफ़ेक्टिव है बेटा अगर ये इफेक्टिव नहीं होती तो ये ज्ञान विलुप्त हो चुका होता ध्यान रखें अगर कोई भी ज्ञान आज तक जीवित है इसका मतलब ये है कि उसमें असर है वो काम कर रहा है तभी वो जीवित है जिस ज्ञान जो ज्ञान बहुत सारे ज्ञान पहले भी थे जो कि विलुप्त हो गए क्यों क्योंकि उनको जीवित रखने वाले नहीं बचे उनको उनसे इफ़ेक्ट क्रिएट कर पाने वाले नहीं बचे उनके जाने के साथ वो ज्ञान भी चला गया तो ये ज्ञान अभी तक है इसका मतलब ये है कि किसी न किसी के हाथों ये काम बहुत अच्छे से कर रही है हर महीने या फिर हर एक सत्र में हमारे ऐसे हीलर्स हुए हैं होते हैं जिन्होंने बहुत कठिन बहुत बड़े बड़े बीमारियों को बहुत बड़े बड़े केसेस को हील किया है और वो अपने आप से बेहद संतुष्ट हैं बहुत ज़्यादा प्रेम उनको अपनी शक्तियों पर बहुत विश्वास आ गया है परमात्मा की इस कृपा पर बहुत बड़ा विश्वास आ गया है क्योंकि उनसे बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग हुई है तो ये इफेक्टिव है बहुत अच्छा इफेक्टिव है लेकिन अगर आप इस भावना जी अगर आप इस तरीके से पूछ रहे हैं कि आप कोई और विधा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या रेकी हिलिंग है तो मैं इससे निकल के इसमें स्विच कर जूँ कर लूँ क्या बिल्कुल नहीं आप जो भी मैं सभी को बोल रहा हूँ आप जो भी विधा कर रहे हो वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि शायद अभी मेरे मुँह से रेकी शब्द निकल गया तो ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है सभी बहुत अच्छे हैं आप जो भी कुआं खो जिस कुएं को भी आपने खोदा है उस कुएं को ही गहरा खोदें है ना ठीक है आप चार कुएं खोदना चाहते हैं आप पांच कुएं खोदना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है मना ही नहीं है जितना कुआं होगा उतना पानी होगा लेकिन उस कुएं में गहरे उतरना है गहरे जाना है है ना ये तो छोटे छोटे कुएं खुद खुद करके कुएं नहीं है फिर वो टंकी है।, है ना बाहर से पानी भर के रखोगे उसमें वो भी कुछ समय में खराब हो जाएगा तो वो सोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको गहरे उतरना होगा गहरे खोदना होगा जी इंद्रजीत जी कहते हैं नमस्ते सर कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूं बेटा सर मैं मेडिटेशन के टाइम और बाद में बहुत बहुत वीक फील करती हूँ बॉडी बहुत वीक फील कर रहा है और नेगेटिव हाँ नेगेटिव एनर्जी से खुद को कैसे सेफ रखें बहुत शानदार क्वेश्चन है बहुत सभी सुनना कमर सीधे कंधे थी कंधे सीधे ठीक है बहुत गहरी बात बता रहा हूं बेटा इस पूरे क्लास की आज की सबसे बड़ी और सबसे गहरी चर्चा है जो आपको जानना है मदर नेचर खाली जगह पसंद नहीं करती कोई है क्या बाहर मदर नेचर खाली जगह पसंद नहीं करती ये माता प्रकृति कहीं पर भी खाली जगह चाहे वो आपके शरीर में हो चाहे आपके मन में हो कपूर का बहुत तेजी स्मेल हो गया बंद करना चाहे वो आपके शरीर में हो चाहे वो आपके भीतर हो चाहे वो बाहर हो जब भी खाली जगह बनेगा जब भी स्थान खाली होगा तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट होगा जब भी हम किसी जगह को खाली करेंगे वहां एक वैक्यूम क्रिएट होगा और आसपास जो भी है वो उस वैक्यूम की वजह से खींचा चला आएगा तो आसपास आपने क्या तैयार करके रखा है जब भी हम ध्यान करते हैं हम अंदर से खाली हो जाते हैं पूरी तरह से रिक्त हो जाते हैं पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं और जैसे ही हम शून्य होते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और जैसे ही हम ध्यान से वापस आए वैक्यूम क्रिएट हो रखा है तो हम फिर से जैसे ही जाके तो आसपास जो भी है चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे वो नेगेटिविटी हो वो वैक्यूमेट होकर के आपके अंदर समा जाता है इसलिए ध्यान के लिए क्या क्या ज़रूरी था योगियों मुनियों को पहाड़ में जाना पेड़ पौधों के बीच जाना दूर इंसानों बस्ती से दूर जाके तपस्या करना क्या रीज़न था क्योंकि आसपास से जो सबसे सकारात्मक हो सकता है वो वो सोख सकें अपने भीतर सोख सकें मैंने अब्जोर्व करने इंग्लिश का ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया मैंने हिंदी का ये वर्ड इस्तेमाल किया सोखना वो सोखने के लिए ही दूर जाया करते थे आपको दूर जाने नहीं बोल रहा हूँ ये वो कमरा है जहाँ जहाँ हमारी ये कक्षा हो रही है यही मैं ध्यान करता हूँ मेरे लिए ये नीले रंग के पर्दे वाला जो कमरा है सबसे उत्तम मेरे डेट ऑफ बर्थ मेरे मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग कलर थेरेपी में हम जो समझते हैं ये कलर मेरे लिए सबसे उचित है इसलिए ये नीला रंग का ही ये कमरा है जो पूरा यहां तरह से यहाँ मैं त्राटक करता हूँ यहाँ मैं ध्यान करता हूँ यहीं मैं हीलिंग करता हूँ यहीं मैं सारी प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ अक्सर कपूर को मतलब कि गर्म किया रहता है जिससे कर्पूर की खुशबू उड़ती रहती है ताकि वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहे यहाँ शीतलता होती है यहाँ पेड़ पौधे लगा रखे हैं मैंने यहाँ मंत्र जाप चलता रहता है यहाँ मैं केवल अच्छे विचार करता हूँ यहाँ मैं मुझे किताब पढ़ना है मुझे लिखना है मुझे कुछ अच्छे विचार करना है मुझे ध्यान करना है मुझे अच्छी बातें सुननी है मैं यहीं करता हूँ इस जगह को मैंने बहुत पवित्र बना के रखा है हर कोने को मैं रोज़ रेकी हीलिंग से स्पैरल चकुरे के माध्यम से हर कोने को मैं शुद्ध करता हूँ क्योंकि रोज़ मैं यहाँ इतना काम कर रहा हूँ कि यहाँ मेरे अंदर से कोई ना कोई नकारात्मकता चाहे मैं फ़ोन कॉल में बात करते हुए कितना भी हम अपने आप को बचा लें कितना भी हम कितने भी पॉजिटिव कितने भी सकारात्मक होने की कोशिश कर लें हमारे भीतर से हमेशा पैकेज में ऊर्जा निकल रही है और ऊर्जा कभी भी सिर्फ सकारात्मक या सिर्फ नकारात्मक नहीं होती ऊर्जा हमेशा ऊर्जा हमेशा ऊर्जा होती है ऊर्जा हमेशा ऊर्जा होती है वो सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती हमें लगता है कि जो हमें हमें लगता है कि जो हम ऊर्जा तैयार कर रहे हैं वो सकारात्मक है नहीं वो सिर्फ सकारात्मक या सिर्फ नकारात्मक नहीं होती वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है तो हमें क्या करना है हमें उस ऊर्जा को अपने अंदर ही धारण करना है नहीं केवल अंदर ही धारण करने से नहीं होगा हमें आसपास की सारी ऊर्जा को अपने लिए सही बनाना है क्योंकि अगर हमने सारी ऊर्जा को अपने लिए सही नहीं बनाया अपने लिए सही नहीं बनाया तो ये सारी ऊर्जा हमारे अंदर सोख ली जाएगी तो अब आपका काम क्या है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने लिए कोई ऐसा स्पेशल कमरा बनाइए या ऐसे पर्दे लगाइए या इस तरह की व्यवस्था कीजिए नहीं ये मैंने किया है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से रोज़ भिड़ रहा हूँ रोज़ बहुत सारी विधा क्योंकि ये मेरे 24 घंटे का काम है मैं यही खाता हूँ यही सोता हूँ यही मतलब यही नहीं यही खाता हूँ यही सोता हूँ इन्हीं विचारों के साथ मैं खाता हूँ इन्हीं विचारों के साथ मैं सोता हूँ इन्हीं विचारों को मैं पढ़ता हूँ इन्हीं विचारों को मैं लिखता हूँ इन्हीं विचारों पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो ये सब कुछ है मेरे लिए और मैं यही हूं धैर्यवान की पहचान धैर्यवान का नाम धैर्यवान जो है वो यही है है ना तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कमरा मैंने तैयार किया ही मेरे लिए लेकिन आप जो आधे घंटे एक घंटे कर रहे हैं उस समय आप कोशिश करें कि वो सुबह का वक्त हो शांत वक्त हो मंत्र जाप वगैरह उस जगह पे चलता रहे या अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो हर कॉर्नर को पहले स्पाइरल चौकरी से क्लीन करें और चौकोरी डालकर सीही की डालकर उस जगह को, को शुद्ध करें ध्यान के बाद नकारात्मकता आ सकती है स्पेशली हीलर्स को क्योंकि अब आप लोग अंदर से रिक्त होना सीख चुके हैं तो अपने अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी वैक्यूम क्रिएट होगा जब भी वैक्यूम क्रिएट होगा जब भी आप अपने आप को खाली करेंगे तो बाहर से क्या आ रहा है तो ध्यान खत्म होने के बाद एक चीज और कर सकते हैं जैसे ध्यान पूरा हुआ तो अच्छे शब्दों का प्रयोग शुरू कर सकते हैं तुरंत अच्छे अफर्मेशन शुरू कर सकते हैं तुरंत क्योंकि अफर्मेशन जो होता है आप एक तैयार करके रखें आप तैयार करके रखें कि ध्यान पूरा होने के बाद अपने आप से क्या बोलेंगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मैं एक महान हीलर हूँ परमात्मा की कृपा मुझ पर बरसती है मेरे पास सेहतमंद शरीर है मेरे पास मेरा परिवार है मेरे पास सर छिपाने के लिए छत है मैंने आज का ध्यान बहुत अच्छे से किया और मैं रोज़ अच्छे से ध्यान कर पा रहा हूँ मुझ पर भगवान की परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है ये सारे शब्दों से भी आप अपने आप को जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं है ना तो आगे कुछ पढ़ते हैं नीतू जी नीरू जी कहते हैं हार्मोनल इंबैलेंसेस के कारण जो फिजिकल इश्यूज होता है उसके लिए स्विच वर्ड और इंजल नंबर क्या है गुरु जी हाँ अभी याद नहीं है बेटा हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए स्विच वर्ड और एंजल नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है मुझे अभी याद नहीं है तो इसको मैं दूंगा जरूर है ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए बहुत बढ़िया लाना तो बेटा मेरा डायरी दे तो बच्चे मेरा डायरी दो इस कमरे में मेरा डायरी नहीं रखा हुआ मेरा डायरी दो ना Hmm, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक हार्मोनल हाँ विधि वित्तम लिखो विधि वित्तम हार्मोनल इंबैलेंसेस के लिए स्विचवर्ड विधि वित्तम ये फीमेल्स के लिए ही है और मेल्स में हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंसेस बहुत कम होता है लेकिन जब हो तो विधि वितान विधि वित्यम विधि वितान विधि वित्यम और वितान इसके लिए एंजल नंबर होगा फोर 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 सिक्स फोर फोर तीन बार फोर एक सिक्स दो बार फोर एंजल नंबर यही है लेकिन हार्मोनल इम्बेलेंस जब भी होगा तो केवल इससे इससे तो सिर्फ टेम्परे आराम मिलेगा ध्यान ये रखना है कि हार्मोन जो होते हैं विचार का ही स्वरूप है तो ध्यान के समय अच्छे ध्यान के बाद अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए जिससे हारमोन्स को हम फिर से सही आदेश दे सकें है ना और जब भी कभी इम्बेलेंसेस चल रहा होगा या वो दो कारण से चल रहा होगा या तो एज उम्र का एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में हम जा रहे हैं या तो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो उम्र के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं उस समय तो ये स्विचवर्ड और ये जो आ, इंजन नंबर है ये आपके काम आएगा इसमें हम अपना काम कर लेंगे लेकिन जो स्ट्रेस के लिए है तो उसके लिए उन्हें ध्यान मेडिटेशन प्राणायाम ये सब करने के लिए ज़रूर कहिएगा क्योंकि जब प्राणों की अधिकता होती है शरीर में तो अपने आप स्ट्रेस कम होता है प्राण मतलब ऑक्सीजन है ना तो योग अभ्यास जरूर करें सिर्फ हीलिंग से ही सब चीज़ें ठीक करेंगे सोचेंगे तो ठीक होता है लेकिन वो फिर आएगा तो उन्हें इम्यून बनाना है अपने जिसे भी आप सिक, जिसे भी आप हील करेंगे रहा है बेटा पीने का पानी है क्या भेजो ना मेरे लिए यहाँ बहुत ठट्टा लगने लगा है सर पैंतालीस डेज क्या है मेघा जी कहते हैं सर फोर्टी फाइव डेज का प्रैक्टिस आफ्टर अटेन्मेंट करना है या, या अभी से स्टार्ट कर सकते हैं नहीं शक्तिपात के बाद ही शक्तिपात के बाद ही पैंतालीस दिनों का अभ्यास होगा सपना जी कहते हैं सर जी ये सर जी क्या डायरेक्ट थर्ड आई पे हीलिंग कर सकते हैं क्या क्लाइंट की अगर उसको नींद ना आने के प्रॉब्लम हाँ देखो नींद ना आने के लिए जब भी कभी हील करेंगे नींद के लिए कभी भी हील करेंगे तो थर्ड आई पे सीधे इस तरह से हाथ नहीं रखेंगे इस दिशा से हाथ रखेंगे दोनों कान की तरफ हाथ रखेंगे है ना दोनों कान की तरफ हाथ रखेंगे और थर्ड आई को हमेशा इस तरह से चाहे तो किसी पुतले को हील करें या तो उसके प्रतीक चिन्ह को हील करें या उसको डायरेक्ट हील करें लेकिन आगे चक्र पर सीधा हाथ नहीं रखते इस तरह से इस इस तरह से हाथ रखेंगे है ना क्योंकि आप पीछे खड़े रहेंगे रहें, तो हाथ इस तरीके से आएगा सर मेरा फोर्टी फाइव डेज हो गया है मुझे सर्टिफिकेट लेना है और मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बेटा जी अगर ग्रैंड मास्टर किए हैं पैंतालीस दिन या जो भी आप किए हैं पैंतालीस दिन के तुरंत बाद सर्टिफिकेट नहीं देते हैं थोड़ा रुकते हैं कुछ समय वेट करते हैं उसके बाद कुछ सवाल आपसे पूछेंगे वो उसका जवाब आप देंगे फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे क्योंकि सर्टिफिकेट एकदम से रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि हर हफ्ते हर हफ्ते सिर्फ हंड्रेड सर्टिफिकेट्स ही दिए जा सकते हैं तो हर हफ्ते सिर्फ सौ सर्टिफिकेट्स ही यहाँ से बनते हैं और सारे सर्टिफिकेट्स को मैं अपने हाथों से हील करता हूँ क्या ना हो सकता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो समझ जाएं कि आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है मुद्दा यह है कि सर्टिफिकेट ये नहीं है कि एक प्रिंट आउट छपा और दे दिया नहीं मैं आपके सर्टिफिकेट्स को अपनी आंखों से मैं देखता हूँ उस पर उसको देख करके उसे प्रार्थना करता हूँ उस पर अपनी हीलिंग देता हूँ ताकि एक जो चैनल है एक लंबे समय से चला आ रहा है जो हमारे गुरुओं से हमारे गुरुओं के गुरुओं को गुरुओं से मिला फिर उन्हें मिला फिर हमें मिला तो वही चीज़ उस कागज़ के टुकड़े से के साथ या वो एक एक इमेज है वो एक, एक ऐसी कड़ी है जो उस चैनल को जोड़ती है आपसे मुझे और मेरे गुरुओं को तो सर्टिफिकेट बहुत छोटी चीज़ है बेटा असली चीज़ है आपका ज्ञान सर्टिफिकेट बहुत छोटी चीज़ है और हर हफ्ते सौ सर्टिफिकेट्स ही बन पाते हैं इतना ही क्षमता है हमारी संस्था की एकदम से भर के नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है ताकि कल को कभी आ, हमें जानना हो या कभी हमसे सवाल आए कि कितने लोगों को हमने सिखाया कितने लोगों को हमने बनाया तो हमारे पास एक होता है कि हम इस समय इस समय तक इतने लोगों को पढ़ाए तो आने वाले समय में जब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँगा समय के साथ और उम्र बढ़ेगी तो जब अपने पीछे देखूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा ना तो इसलिए वो एक प्रक्रिया है जिससे गुजरनी है हाँ अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो शायद एक आध मैसेज करने के लिए हम बोल देंगे तो कि बता दो समय लगता है है ना? ऐसा नहीं कि पैंतालीस दिन होने के कुछ समय बाद आपको मिलता है हाँ, दीप्ति जी, जी, मैंने एंजल हीलिंग का अटेंडमेंट लिया है मेरा एंजल कौन सा है हाँ, देखो अभी अटेंडमेंट लिए 45 डेज इसकी प्रैक्टिस करेंगे है ना फिर दूसरा अटेंडमेंट लेके उसकी 45 डेज प्रैक्टिस करेंगे वो करते 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 आपको आपके कोई अपने एंजल्स अपने आप एक कनेक्शन महसूस होने लगेगा तो ये चीज़ आपके मास्टर आपको नहीं बताएंगे आपके मास्टर आपको गाइड करेंगे जैसे कि मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा लेकिन ये अपने आप आपको पता चलेगा आपको खोजना नहीं है खोजोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे क्या सेंड्रफोन है क्या गैब्रियल है क्या वो है क्या ये है क्या नहीं तो कंफ्यूज होते रह जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको जरूर से वो मिलेगा है ना जी हाँ सर फोर्टी फाइव डेज जो सर फोर्टी फाइव डेज जो प्रैक्टिस है उसमें क्या करना है ओ कोर्स में नहीं देखा अभी तो मैंने बताया है फोर्टी फाइव डेज में क्या करना है सपना जी कहते हैं सर मैंने ग्रैंड मास्टर के लिए ही फिर भी मैंने मेरे था मेरे थायरॉयड प्रॉब्लम थी नहीं हुए तो टी एच एस हुआ रहता है हाँ इसीलिए ही मैंने प्लान किया है अभी कि मैं ट्वेंटी वन डेज़ का एक पूरा का पूरा हीलिंग सेशंस बनाऊँगा सिर्फ हीलर्स के लिए किसी बड़ी परेशानी से कैसे निकल लें ऐसे में मेडिटेशन भी प्रॉपर नहीं होता थिंकिंग ओ हाँ थिंकिंग प्रॉब्लम में ही रहती है च, चाहे कितना भी चाहे कितना भी टाइम दो हाँ ये बहुत गहरी बात है सुनने में अटपटा लगेगा बेटा लेकिन ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं अच्छे अच्छों के साथ हो जाता है विगत ढाई सालों में ये तीन बार मेरे साथ भी हुआ है उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ जो हमारे जो बहुत प्रूवन टेक्निक है जो हमारे गुरुओं ने भी हमें सिखाया है कि सबसे पहला काम स्थान बदलें क्योंकि आपकी ऊर्जा इस स्थान में बह रही है जैसे ही आप अपने आप को शांत करते हैं वही ऊर्जा फिर आपके अंदर समा जाती है फिर आप जलते हैं फिर वो ऊष्मा फिर वो धुआं यहीं उड़ जाता है फिर आप बाहर जाके अपने आप को शांत करके लाते हैं किसी भी तरीके से अपने आप को शांत करते फिर वो ऊर्जा आपको फिर सुलगा देती है मतलब कि समझ रहे हैं ना दोनों अग्नि को एक दूसरे दूर होना होगा आप दूर रहेंगे ये जगह भी धीरे 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 शांत हो जाएगी आप भी बाहर जाके शांत हो जाएंगे तो कुछ समय के लिए स्थान बदलें स्थान बदलें स्थान बदलने से अपने शहर से थोड़ा दूर जा करके कहीं होकर के आए धार्मिक स्थल धार्मिक स्थल पे हो कह रहा है संसार से कटकर थोड़ा परमात्मा के करीब जाके आए आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा होने क्योंकि प्रॉब्लम्स देखो क्या होता है प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती प्रॉब्लम रहती है एक बहुत अच्छी बात जो एक बहुत अच्छी किताब में लिखी हुई थी कि जो प्रॉब्लम होती है ना कम से कम कम से कम सबसे शक्तिशाली इंसान के जीवन में भी कम से कम जो आप जिसको आपको देख के लगता है कि ये तो निहात ही सुखी होगा जैसे आपको मुझे देख कर लगता होगा कि ये तो हमेशा आनंद में ही रहता होगा निहात ही सुखी इंसान है निती इसके पास तो सब कुछ है और इसका माइंड सेट ही ऐसा है इससे इसकी शिक्षा ही ऐसी है कि ये दुखी हो ही नहीं सकता परेशान हो ही नहीं सकता इसे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं पहली बात जो पहला लाइन था कि ये दुखी नहीं हो सकता परेशान नहीं हो सकता ये बहुत हद तक सही है कि मैं दुखी और परेशान नहीं होता क्योंकि मेरी शिक्षा बहुत अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम जो है कम से कम एक चम्मच नमक जितनी तो होगी ही चाहे दुनिया में वो कोई भी इंसान हो एक चम्मच नमक जितनी ये एक बहुत अच्छी किताब में आ, लिखी हुई है द लॉ ऑफ सक्सेस नाम की बुक है जिसमें नेपोलियन हिल ने इसे लिखी है कि एक चम्मच जितनी प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में होगी मिनिमम अब आप ये समझो आप एक गिलास पानी हो एक चम्मच नमक को डालोगे घोलोगे तो उसको चक के देखोगे तो वो बहुत नमकीन लगेगा अगर आप एक बकेट पानी हो एक बाल्टी पानी हो उसमें एक चम्मच नमक डालोगे तो बहुत हल्का सा महसूस होगा अगर आप एक ड्रम भर के पानी हो और उसमें एक चम्मच नमक हो तो तकरीबन पता ही नहीं चलेगा लेकिन अगर आप एक झील हो एक तालाब हो तो उसमें एक चम्मच नमक कहाँ रहेगा पता ही नहीं चलेगा तो जब आप बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम छोटी होती है प्रॉब्लम कभी छोटी या बड़ी नहीं होती आप छोटे या बड़े होते हैं और बड़े होने के लिए आपको प्रॉब्लम से दूर होना पड़ेगा अपने आप को दूर ले जा करके के देखना पड़ेगा जब आप दूर से प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम छोटी दिखती है इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि लाइफ के किसी भी पूरा ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोच के आइए जो जीवन में कभी भी आपको हुई थी आज वो प्रॉब्लम बहुत छोटी दिखती है आज वो समस्या बहुत छोटी थी उस समय बहुत बड़ी थी पर आज बहुत छोटी है आज उस प्रॉब्लम को याद करके आप दुखी नहीं हो पाते उस लेवल पे दुखी नहीं हो पाते चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो और हम उम्र के हम अपने विचारों के जिस स्तर पे हैं हमारे लिए उस समय की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है देखो मैं आपके आपको कहीं पर भी छोटा नहीं फील करा रहा हूँ आपको कमज़ोर नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि अपने जीवन की पुरानी प्रॉब्लम्स को देख करके आप ये बोल सकते हैं कि वो प्रॉब्लम बहुत छोटी थी और ऐसे ही आज के कुछ समय बाद जब इस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे तो आप फिर इस प्रॉब्लम के बारे में ही बोलेंगे कि छोटी थी मैंने एक तीन बच्चों को देखा अपनी आंखों से देखा हाल फिलहाल की ही बात है तीन में से दो बच्चों को चॉकलेट दिया गया और एक को नहीं दिया गया क्योंकि तीसरे के लिए चॉकलेट था ही नहीं पॉकेट में अब जो बड़े जो चॉकलेट दे रहे थे उनको लगा उनके पॉकेट में चॉकलेट है उन्होंने एक को चॉकलेट दिया दूसरे को चॉकलेट दिया और तीसरे के लिए चॉकलेट बीजेप में नहीं था आप सोच भी नहीं सकते उस तीसरे नंबर के बच्चे पर क्या बीती होगी तो कितने जोर से दुखी हुआ कितने जोर से रोया उसके लिए तो जैसे दुनिया ही लूट गई उसकी मतलब उसको उसके हक का नहीं मिला सबको दिया गया उसको नहीं दिया गया पता है वो किस वो उसको उसके रोना को उसको रोता हुआ देख के मुझे दुख लग गया था कि क्या हुआ है भाई इतना मतलब सिसक सिसक रोना दिल भर के पूरा आंखें नाक सब बह गई है एकदम मतलब कि वो बच्चा अपने रोने को दबा रहा है वो चाह रहा है कि वो ना रोए लेकिन उसके अंदर से वो रोना निकल रहा है वो दुख फूट के निकल रहा है क्यों क्योंकि दो लोगों को मिला उसको नहीं मिला बेशक हमें हंसी आ सकती है लेकिन उसके लिए वो दुख बहुत बड़ा था इसके लिए दुख बहुत बड़ा था वो तकलीफ बहुत बड़ी थी तो अपने आप को थोड़ा दूर ले कर के जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे बर्ड आई विज़न से जब देखेंगे सैटेलाइट व्यू से जब अपने अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आप बड़े हैं प्रॉब्लम उतना ही बड़ा है हुँ? आप बड़े हैं प्रॉब्लम तो उतना ही प्रॉब्लम बड़ा या छोटा जितना भी साइज़ है उसका लेकिन आप बड़े हैं और जब तक आप अपने आप को अकेला जानेंगे प्रॉब्लम्स हमेशा बड़ी होगी आप अकेले नहीं हैं ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके लिए खड़ी हैं परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है ये पूरा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है परमात्मा जी का ब्रह्मांड का वो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको ऊपर उठाने के लिए बना हुआ है आपको थोड़ा सा विश्वास थोड़ा सा समर्पण और एक गहराई चाहिए आप झुकिए अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए चाहे वो आपने अपने प्रति किया हो चाहे दूसरों के प्रति किया हो चाहे ब्रह्मांड के प्रति किया हो माफ़ी मांगिए आप झुकिए अपने आप को क्षमा कीजिए अपनी हर भूलों के लिए लोगों को क्षमा कीजिए अपने लोगों को अपने आसपास की दुनिया के जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके प्रति खराब हुई उसके लिए क्षमा कीजिए और क्षमा करने के बाद जब आप फिर से खड़े होंगे घुटने में बैठ के ये करने को जब आप खड़े होंगे तो आप अपने आप को कई ऐसी शक्तियों से भरा हुआ महसूस करेंगे आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हो, आपको माफ़ किया जा चुका है और आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होगा चाहे आप एक आम इंसान हो चाहे आप एक हीलर हो ये बिल्कुल मत सोचना कि आप एक हीलर हैं तो आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इम्पैक्ट पहले से ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि अब आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी अपनी प्रॉब्लम मांगने लगे है ना तो इस वजह से आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी हाँ सुमन दूसरी क्लास दूसरी दूसरी क्लास बहुत गहरी चर्चा चल रही थी तू आके दाद दिखा दी बेटा हाँ <laughs> हाँ बैठा आ, हाँ उसको चालू करके बैठो <laughs> तो हाँ, तो बहुत गहरी बात है बेटा कि आज जो हम जो चीज सीखे सारे सवाल अपनी जगह ठीक है जिसके जवाब हम देते रहेंगे देते रहेंगे कि जब भी ध्यान करेंगे जब भी हिलिंग प्रैक्टिस करेंगे जब भी शांत होंगे तो आप अंदर से खाली होंगे वो वैसा वाला खाली पन नहीं कि मैं अंदर से खाली हो चुका नहीं वो वाला खाली नहीं जब आप विचारों से खाली होंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आस पास से जो भी चीज़ें खिंच चली आएगी वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए वो सिर्फ सकारात्मक होनी चाहिए तो उसकी तैयारी पहले से कर लेंगे हम पहले से आस पॉजिटिव चीज़ों को रख लेंगे सारे विचारों को डाल छोड़ रखेंगे है ना कि मैं यहाँ पे भाग्यशाली हूँ मैं सेहत से भरा हुआ हूँ मैं सुंदरता से भरा हुआ हूँ मैं धन संपत्ति से भरा हुआ हूँ कि मैं अच्छे रिश्तों से भरा हुआ हूँ आस पास वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी को रखेंगे ताकि जैसे ही ध्यान से जब लौटें तो सारी चीज़ें आपको मिलें है ना तो अगली कक्षा का समय हो गया है और भी सवाल होंगे आपके बहुत सारे सवाल हाँ हैं होंगे क्या हैं लेकिन इन सवालों के साथ आज का हम ये आज का हम समाप्त करते हैं बेटा आप सब लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों के कोर्स में कुछ चीज़ें और ऐड करने वाले हैं हम जो कि अभी के मैंने अपने आंध्र प्रदेश की यात्रा में बहुत सारे गुरुओं के साथ मिलकर जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों को मैं ऐड करूँगा अब तो अपने कोर्स को वापस खोल के देखना है आने वाले समय में है ना एकदम से भूल नहीं जाना नोट्स बनाना लिखना क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे जाते रहेंगे वो सारी चीज़ें ठीक है लेकिन ये ऐसी बारह तेरह डायरीज़ है मेरे पास है ना मुझे पता है देखा अभी मैंने अभी एक एंजल नंबर और हॉर्मोनल इंबेलेंसेस के लिए एंजल नंबर और स्विच वर्ड तुरंत निकाल के दिया ना मुझे पता है कहाँ पे लिखा था सिर्फ तीन चार पन्ने पलट के निकाल दिया मैंने तो आपके नोट्स आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे है ना प्रभाकर जी आपके नोट्स काम आएंगे, वीडियोस नहीं ठीक <laughs> है जी तो चलिए आगे दे नमस्ते जी बहुत अच्छी क्लास रही आज की अच्छा बेटा सुनो ओ, क्या बोल रहे थे हम अगली क्लास अगली क्लास उसको यही व्यवस्था है